एक तरफ देशभर में SC ST एक्ट को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध को देखते हुए सियासी पार्टियां अब अपने अपने बचाव में उतर आई हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने SC ST एक्ट का समर्थन किया है। दीपक जोशी ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि जनता से मिले फीडबैक के आधार पर एक्ट में संशोधन किया गया है। हालांकि जब मंत्री दीपक जोशी सवाल पूछा गया कि सरकार ने जनता से कब और किस तरह का फीडबैक लिया, तो इन सवालों का जवाब मंत्री जी के पास था ही नहीं। दरअसल राज्य मंत्री दीपक जोशी आज झाबुआ में एक निजी संस्था के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। कार्यक्रम में शिक्षा प्रणाली में बदलाव को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें देश भर से शिक्षाविद शामिल हुए थे। देखिए, सरकार जनता के फीडबैक के आधार पर फैसला लेती है, अब उस आधार पर जो फैसला लिया गया उसको साथ होंगी। जी मीडिया संवाददाता सचिन जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सचिन, मंत्री जी ने बड़े ही जोश के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि बदलाव किया गया है, लेकिन कहां क्या बदलाव और किस तरह का फीडबैक लिया, इसका जवाब तो था ही नहीं उनके पास। जी बिल्कुल अल्पना, जिस तरीके का विरोध SC ST एक्ट को लेकर मध्य प्रदेश समेत आसपास के तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है, ऐसे में शिवराज सरकार के एक स्कूल शिक्षा मंत्री की तरफ से यह बयान आना कई सवाल खड़े करता है कि अब तक भाजपा के किसी भी जनप्रतिनिधि या भाजपा के किसी भी पदाधिकारी द्वारा खुलकर सामने आकर के इस एक्ट में हुए संशोधन को लेकर के कोई बयान नहीं दिया गया, यहाँ तक की तमाम जनप्रतिनिधियों का बड़े स्तर पर विरोध भी हो रहा है। ऐसे में स्कूल शिक्षा मंत्री का यह बयान की जनता के फीडबैक के आधार पर यह संशोधन किया गया, ये कई सवाल खड़े करता है। हमने उनसे पूछा कि इस फीडबैक के पीछे क्या आधार है, किन बिंदुओं के आधार पर यह फीडबैक लिया गया, तो उनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। हालांकि आदिवासी झाबुआ जिला है, यहाँ पर SC ST एक्ट को लेकर के विपरीत परिस्थितियां हैं। डी मीडिया पहले भी ये अपने दर्शकों को बता चुका है कि इस तरीके के जितने भी मामले दर्ज हुए हैं झाबुआ अलीराजपुर जिले में 90% मामले दर्ज होते हैं। ऐसे में जिन बिंदुओं को बिल्कुल, लेकिन मंत्री जी का जवाब जो रहा वो दिखाता है कि तैयारी के साथ नहीं आए थे मंत्री जी। शुक्रिया आपका सचिन, इस पूरी जानकारी के लिए।